नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 14 को फिर दिल्ली चलो का आह्वान, भाजपा नेताओं के बहिष्कार और घेराव का भी ऐलान। गृह मंत्रालय ने दिल्ली दंगों को बेरोक टोक जारी रहने दिया, यह कहना है CPIM का। खोज खबर से, मोदी जी लोकतंत्र के टू मच होने से क्यों है डर। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट से, देश में पिछले 24 घंटों में 31,521 नए मामले, 412 मरीजों की मौत। केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन में भी कुछ ठोस और सकारात्मक न मिलने पर किसान संगठनों ने एक बार फिर से दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया है। साथ ही भाजपा नेताओं के बहिष्कार और घेराव का भी ऐलान किया गया है। किसान संगठनों के नेताओं मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है, जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे 14 दिसंबर को भाजपा के मंत्रियों, पार्टी के जिला कार्यालयों का घेराव करेंगे और पार्टी के नेताओं का बहिष्कार करेंगे। नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री के किसानों के 13 प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद बुधवार को केंद्र की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव में सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था। ज्यादातर जिम्मेदारियां तो राज्यों के ऊपर ही डाल दी गई थी। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया और कहा कि वे शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे तथा आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों के नेताओं ने प्रस्ताव को देश के किसानों का अपमान करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिए नया प्रस्ताव भेजती है तो वे उस पर विचार जरूर करेंगे। जैसा कि यह वर्ष अपने समापन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन स्वतंत्र जांच को लेकर कोई संकेत नजर में नहीं है। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें फरवरी में हुए दिल्ली दंगों को लेकर नए सिरे से स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर देते हुए पीड़ितों के आंकड़े और व्यापक मामलों को जारी रखने का काम किया गया। इस साल फरवरी माह में हुए दंगों में 6 दिनों तक जारी रही इस हिंसा में 53 से भी ज्यादा मौतों ने राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अल्पसंख्यकों के जीवन पर लंबे समय तक बने रहने वाला प्रभाव छोड़ा है। आज भी कईयों को उत्पीड़न का और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट पुलिस की चार्जशीट के जरिए उपलब्ध आंकड़ों, अदालत के जवाबों और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कानून और प्रशासन को लेकर संकलित आंकड़ों के जरिए प्रासंगिक सवालों को उठाने का काम करती है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा को रोकने की कोशिशें नाकाम रही और 6 दिनों तक उस हिंसा को अबाध गति से जारी रहने दिया गया। 23 फरवरी को जिस दिन दंगों की शुरुआत हुई थी, उसी दिन 700 से भी अधिक संकटकालीन फोन आने के बावजूद सिर्फ 450 पुलिसकर्मी ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय द्वारा हालात को काबू में रखने के लिए सीमित पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 39 खुफिया एजेंसियों ने की उपलब्धता के बावजूद यह सब गठित हुआ। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे दिन भी पुलिस ने कर्फ्यू नहीं लगाया। रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि हिंसा के दूसरे दिन यानी कि 24 फरवरी को 1,339 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद हिंसात्मक घटनाओं में और भी अधिक तेजी देखने को मिली और अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हथियारबंद भीड़ द्वारा बेखटके दर्जनों घरों और दुकानों में या तो तोड़फोड़ की गई या उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए खोज खबर में, वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले, किसानों की मांगों की खतरनाक अनदेखी, नीति आयोग की प्रमुख अमिताभ कांत द्वारा लोकतंत्र के अधिक होने का देश के लिए खतरनाक बताने को चिंताजनक परिघटना बताया। अडानी अंबानी के हितों को पूरा करने वाले फैसलों पर चर्चा करते हुए कॉरपोरेट हितों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार पर सवाल उठाया। आइए उन्हें देखते हैं। हमारे देश का अन्नदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस समय सड़कों पर है। वह मांग कर रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं उसे वह रद्द करे, उनके साथ वह वार्ता में आए। इस समय देश की राजधानी चारों तरफ से किसानों से घिरी हुई है। किसानों ने अपना गांव
यहीं बना लिया है। वे वहीं खाना खा रहे हैं और जब सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वे पोटली में अपना खाना लेके जाते हैं, अपना पानी लेके जाते हैं और वे कहते हैं कि हम खाना सरकार का तभी खाएंगे जब सरकार हमारी बात सुनेगी। वार्ता लगातार चली जा रही है, अंजाम क्या होगा इस पूरे के पूरे आंदोलन का यह तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई है और उसे साफ करने का काम मोदी सरकार और उसके कृषि मंत्री ने किया है कि जो तीन कानून जिनका एड़ी चोटी से विरोध कर रहे हैं देश के किसान और किसानों के साथ खड़ा है देश का एक बड़ा हिस्सा जिसने भारत बंद में बड़े पैमाने पर शिरकत की, वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह तीन कानून अंबानी और अडानी के कानून हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून हैं और इस बात पर मुहर कोई और नहीं लगा रहा। किसान यह कह रहे हैं और उनकी बात का समर्थन करते हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। वे कहते हैं कि अगर इस कृषि कानून को वापस ले लिया तो कॉरपोरेट का मोदी सरकार से भरोसा उठ जाएगा। यह उनका आधिकारिक बयान है जिसे मीडिया ने दर्ज किया है। और इसके बाद आते हैं नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत, जो बहुत शीर्ष सरकारी अधिकारी हैं जिनके हाथ में नीति निर्धारण का बहुत अहम जिम्मा है, मोदी के बहुत करीब पाए जाते हैं और वे क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी इज टू मच, इसकी वजह से मोदी सरकार जो सुधार करना चाहती है माइनिंग में, कोल में, एग्रीकल्चर में, लेबर में, उसके प्रति वह दृढ़ प्रतिज्ञ तो है, डिटरमाइंड है, उसमें कन्विक्शन है, मजबूती है, लेकिन टू मच डेमोक्रेसी की वजह से वह बिचारी कर नहीं पा रही। यह बात उन्होंने किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की मांग के संदर्भ में हमारे सामने रखी। यानी किसान जब अपनी खेती को बचाने की बात कर रहे हैं तब वह टू मच डेमोक्रेसी है और जब अमिताभ कांत अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर देश के नीति निर्धारण का काम करते हैं, उन नीतियों पर सुधार की बात करते हैं, जो सुधार यानी वे सुधार जो कॉरपोरेट चाहता है, तब उन्हें चीन याद आता है। और आप देखिए क्या महज इत्तफाक है कि ये सारी भाषा बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती जुलती है, वह भी चीन का उदाहरण देते हैं। हालांकि चीन उनके बिल्कुल उलट साम्यवादी विचारधारा का देश है, एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे चीन स्थापित है, लेकिन उन्हें याद आता है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद क्योंकि लोकतंत्र नहीं है इसलिए दोनों ही अपने अपने ढंग से लोकतंत्र को खत्म करके एक दूसरे ढंग की तानाशाही की बात भारत में कर रहे हैं। लाखों की तादाद में जो अन्नदाता देश की राजधानी पर दस्तक दे रहे हैं उनका बहुत साफ मानना है, उन्हें कहीं से भी कोई भ्रम नहीं है। जो यूनियनें और जो नेता उनको लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से मानना है कि वे किसी भी तरह के समझौते या भ्रम को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये तीन कानून जो कि कॉरपोरेट को खुली छूट देते हैं फसल अनाज को खरीदने की, कहीं से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो पाबंदी है उसे हटाने की पूरी कवायद करते हैं, ये देश के किसानों और देश की खेती के लिए डेथ वारंट है, मौत का फरमान है। और आप इसलिए पाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में, शायद दिल्ली ने इतनी बड़ी संख्या में 13-15 दिन तक किसानों की इतनी बड़ी रैली इतने बड़े गांव को बसते हुए नहीं देखा। लाखों की तादाद में किसान यहां मौजूद हैं, किसान महिलाएं यहां मौजूद हैं, उनके बच्चे यहां मौजूद हैं, वे खुद ही खाना पका रहे हैं और आस पड़ोस के जो और किसान हैं उनकी मदद कर रहे हैं। 1.5 साल के भीतर इस देश में अडानी ने
एग्रो बिजनेस के लिए अनगिनत कंपनियां खड़ी की। कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अलग अलग जगह भंडारण की पूरी प्रक्रिया शुरू की है उन्होंने। 100-100 एकड़ जमीन, हरियाणा से जो खबर अभी सामने आई है कि 100 एकड़ जमीन अडानी समूह ने खरीदी है, वह अनाज का भंडारण करने जा रहे हैं वहां पर। यानी बहुत साफ है, हमें और आपको और किसानों को तो बहुत बाद में पता चला कि इस तरह का कृषि बिल सरकार ला रही है, लेकिन मोदी जी के बहुत खास और करीब माने जाने वाले उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, इस बात की जानकारी संभवतः पहले से थी। लिहाजा यह कंपनियां खड़ी की गईं। हित बहुत साफ और सामने हैं, कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। ये कानून अंबानी और अडानी के फायदे के लिए लाए गए हैं, जिसकी तस्दीक कृषि मंत्री से लेकर तमाम और मंत्री खुलेआम हमारे सामने कर रहे हैं। कॉरपोरेट हित किस तरह से मोदी सरकार के सिर चढ़ बोल रहे हैं, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, इसकी एक और मिसाल देखने को अभी मिली। किसानों की मांगों पर लेकर, किसानों के आंदोलन पर, किसानों को लगातार दिल्ली में दस्तक देना, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई खबर नहीं। उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही, लेकिन देखिए वे चिंता जाहिर करते हैं। वे कहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी तुरंत बड़े पैमाने पर लानी चाहिए, लाई जाएगी। और ठीक उसी दिन उनके प्रिय मुकेश अंबानी का भी बयान आता है कि जियो 2021 तक आधे भारत में, आधे से अधिक भारत में 5G टेक्नोलॉजी रोल करेगा, यानी उसे लागू कर देगा। ये महज इत्तेफाक है कि एक ही दिन दोनों बयान इस देश की जनता के सामने आते हैं। जिस देश में किसान बुनियादी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ मजदूरों और मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका साथ खड़ा हुआ है, उस समय केंद्र सरकार 25,000 करोड़ से भी अधिक सेंट्रल विस्ता यानी नई संसद बनाने के लिए तैयारी कर रही है, और दुहाई लोकतंत्र के ज्यादा होने पर दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी कि 10 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,521 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना में 412 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 37,725 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 6,616 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना की मामलों की संख्या बढ़कर 97,67,371 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,41,772 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.73% हो गया है, यानी कि कुल मरीजों में से अब तक 92,53,306 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3.81% यानी 3,72,293 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 15,07,59,726 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 9,22,959 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।